हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से क्या है पढ़ाई कर रहे हैं। अपन एवरेज पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे सवाल हमने कर लिए थे, कहाँ तक किए थे हमने, शायद 50-60 के आसपास सवाल कर लिए थे। ये हो गए थे ना, ये हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी। इस पे आ जाओ, पढ़िए सवाल को। क्या बोला है सवाल में कि भैया एबीसी हैं, उनका एवरेज कितना है? 78। एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 78, दैट ऑफ सी डी एंड ई इज 52, एंड दैट ऑफ ई एंड एफ इज 48, ई एंड सी इज 60। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ? सबका एवरेज बताना है। ए बी सी का 78 है, सी डी ई का 52, ई और एफ का 48, ई और सी का 60। सबका चाहिए। तो देखो, ए बी सी का एवरेज हमें पता है कितना, 78। किसका पता है फिर हमें? सी डी ई का एवरेज पता है हमें कितना, 52। यदि एवरेज पता है तो हम टोटल लिख दूं क्या डायरेक्ट ही? ए बी सी का एवरेज 78 है तो टोटल कितना होगा इन तीनों का? 78 × 3, इन तीनों का टोटल क्या होगा? 52 × 3। फिर E और F का एवरेज है कितना, 48। तो E और F दो बंदे हैं, दो का एवरेज 48 है तो टोटल क्या होगा, 48 × 2। और E एंड C का कितना है, एवरेज 60 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 × 60। हमें क्या चाहिए? सबका एवरेज चाहिए, ए बी सी डी ई एफ का। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सभी का टोटल होना चाहिए ना। और सबके टोटल को किससे डिवाइड कर देंगे अपन? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल देखो किसका है, ए बी सी का तो है, एक साथ मिल गया अपन को, एबीसी का मिल गया, ई और एफ का भी मिल गया, सिर्फ डी और चाहिए। क्या डी हम निकाल सकते हैं बाकी जानकारी से? यहां देखो ई और सी है और यहां सी डी ई, इन तीनों का टोटल है 156। सी डी ई का टोटल है 156, ई और सी का टोटल कितना है, 120। तो आप यहां से डी का वैल्यू बता सकते हैं ना, डी कितना हो जाएगा, 36। अब एवरेज चाहिए तो सबका टोटल अब हम बता सकते हो। एबीसी तीनों का एक साथ ही लिख देता हूं, 78 × 3 प्लस, ये तो एबीसी का हो गया, डी का कितना, 36, और ई और एफ का कितना है, 48 × 2 लिख दो या 96 लिख दो, ये सबका जोड़ हो गया। और उसको किससे डिवाइड कर दो, 6 से, या तो मल्टीप्लाई करके जोड़ लो या 6 से डायरेक्ट ही कट रहा है। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 13 × 3 कितना होगा, 39। यहाँ 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 96 को करोगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। 39 और 22 क्या होगा एवरेज, 61। सभी का एवरेज आ जाएगा 61। 61, अच्छा इसके ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शंस गलत आ गए, कोई और क्वेश्चन के प्रिंट हो गए, आंसर होगा 61। ये उतारिए और अगला सवाल करो ट्राई। एक कक्षा के 156 विद्यार्थी हैं, उनके औसत प्राप्तांक कितने, 76%। लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 71, लड़कियों के कितने हैं, 84। तो हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। एवरेज मार्क्स ऑफ 156 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर 76%। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर 71, दैट ऑफ गर्ल्स आर 84%, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब एक बताना, इसमें गर्ल्स लिखा हुआ है, इसमें बॉयज लिखा हुआ, अपन चलो दोनों ही निकाल लेते हैं जो भी है। देखिए टोटल कितने लोग हैं, 156 लोग हैं ना, हम बॉयज को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 156 माइनस एक्स हो जाएंगी। टोटल कितने लोग हैं, 156, बॉयज इतने माने हैं, गर्ल्स घटा दी टोटल इतने। एवरेज देखो, एवरेज मार्क्स कितने हैं, बॉयज के एवरेज कितने हैं, 71%, 71 इनके 84, और सबके कितने, 76%, 76 ले लेता हूं। अब टोटल मान लो 100 का पेपर होता, हर बच्चे के यदि परसेंटेज में देखो तो इसके 71 आएंगे, हर लड़की के एवरेज 84, इनके एवरेज 76। अब यहां से बोलो एक्स लड़के हैं, एवरेज 71 है, टोटल कितना हो जाएगा, लड़कों का टोटल 71 × x हो जाएगा ना, एक्स लड़के एवरेज इतना है, इतनी लड़कियां हैं उनका एवरेज इतना है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 156 माइनस एक्स इंटू 84। ये लड़कों का टोटल, ये लड़कियों का टोटल, इनको जोड़ दो, सबका टोटल हो गया। इधर कुल इतने लोग बच्चे हैं उनका एवरेज इतना है, तो टोटल क्या लिखोगे, 156 × 76 कर दो।
इसको इसका हिसाब कर दो, देखो 71x है इधर है, 84 इंटू माइनस एक्स, माइनस का 84x है तो क्या आएगा, माइनस का 13x, हिसाब हो गया। इधर 156 गुणा 76 तो है ही, अब 156 कॉमन ले लो, इधर 156 गुणा 84 उधर माइनस में जाएगा, तो 156 कॉमन 76 माइनस क्या आएगा 84 आएगा, तो इधर क्या बचेगा 156 इंटू माइनस का 8, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, 13 से काटोगे तो क्या आएगा 12, 12 इंटू 8 क्या आ जाएगा 96, लड़कों की संख्या कितनी होगी 96, बॉयज 96 हैं और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 156 में से 96 को माइनस कर दो, 8 हो जाएगी लड़कियों की संख्या। एक तो ये है कि प्योर बेसिक से अपन इस क्वेश्चन को कर लिया, दूसरा क्या है इस क्वेश्चन में अपन एक चीज और कर सकते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को क्या है बहुत ज्यादा क्या बना देगी, आसान बना देगी। लेकिन वो तरीका सीखने से पहले एक पुरानी स्कूल की बात करते हैं, मन छोटी सी। देखो मैं एक इक्वेशन दूं आपको, x इंटू 8 y इंटू 20, x इंटू 8 y इंटू 20 का जोड़ क्या है x प्लस वाई के 15 गुणा के क्या है बराबर है, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, x का 8 गुणा और y का 20 गुणा मिल जाए तो x प्लस वाई के 15 गुणा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, पहली संख्या का 8 गुणा दूसरी का 20 गुणा कुल के 15 गुणा के बराबर हो गया। ये जानकारी देके कोई हम आपसे बोले कि यार x और y का क्या बता दो, अनुपात बता दो, रेशियो बता दो, तो हम क्या करेंगे, ये तो 8x प्लस 20y है ही, इधर क्या होगा 15x प्लस 15x प्लस क्या लोगे 15y लोगे, इधर 8x इधर 15x क्या डिफरेंस आएगा बोलो, 8x का 15 के साथ डिफरेंस आएगा 7x, इधर 20y और 15y का डिफरेंस कितना आएगा 5y, आप यहां से क्या बोलोगे x अपॉन y कितना आएगा 5/7, या x अनुपात y यदि आप बोलो x इज टू y क्या होगा 5:7, ऐसे एक तो अपन अनुपात बता सकते हैं। और यहां से डायरेक्ट ये जो कार्यक्रम अपन ने किया है, ये जो भी कुछ किया है इसको क्या है यहां से करने के बजाय डायरेक्ट ही कहीं इक्वेशन में दिख रहा है कि एक संख्या का 8 गुना दूसरी का 20 गुना टोटल का इतना गुना, तो डायरेक्ट उन संख्याओं का रेशियो आप बता सकते हो, क्या करना है आप यूं लिखिए, पहली संख्या का 8 गुना है दूसरी का 20 गुना है टोटल का कितना गुना है 15 गुना है, तो आप डायरेक्ट यूं लिखो 15 का और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 7, वो इधर लिख दो, 15 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा 5, वो इस साइड लिख दो, ये किसका रेशियो आ जाएगा पहली संख्या का और दूसरी संख्या का, एक्स और वाई का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 5:7। अब ये इक्वेशन जो है ना ये अरिथमेटिक में ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं क्या है बन जाती है, और जहां ये इक्वेशन का माहौल बन जाएगा वहां आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो ये लगा सकते हो, इसको एलिगेशन बोलते हैं अपने, एवरेज में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, इंटरेस्ट में, कई बार इसको पहले भी अप्लाई किया है, तो ये इक्वेशन का माहौल बने तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। अब एवरेज में ऐसा माहौल कहां बन रहा है वो ध्यान से देखो, आप अपने इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लड़के इंटू 71, लड़कियां इंटू 84 और टोटल इंटू 76, ऐसा ही बन रहा है क्या, या इसको देखो मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, ये तो एक बार आप उतार लो, मैं यदि यूं मान लेता लड़के x होते लड़कियों को y मानते तो टोटल कितने होते x प्लस वाई, इनका एवरेज 71 इनका 84 इनका 76, क्या लिखते आप 71 इंटू एक्स प्लस 84 इंटू वाई, ये एवरेज है, ये टोटल लड़कों का टोटल लड़कियों का टोटल बराबर सभी का टोटल एक्स प्लस वाई लोगों का एवरेज है 76, क्या ये बराबर नहीं करते क्या अपन, लड़के गुणा 71 आ गया, लड़कियां गुणा 84 और लड़के टोटल बच्चे इंटू 76, अब देखो इधर क्या आने वाला है 76x प्लस 76y आएगा ना, 76 के साथ इसका डिफरेंस ले लो कितना, इधर 5x इधर क्या आएगा 8y, x अपॉन y डायरेक्ट क्या ले सकते हो आप 8/5 है ना, तो यदि यहां ये बन पा रहा है तो अब ऐसे क्वेश्चन का हमें पता लग गया है, तो आगे कभी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे। अब यहां हमें कैसे पता लगेगा, देखो इसमें अब अपन को क्या करना था पहले वो देख लो, बॉयज और गर्ल्स, अब सीधा करने के लिए क्या देखना, बॉयज का एवरेज 71, गर्ल्स का एवरेज इतना और सब का एवरेज इतना, ये देखो बॉयज का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज और सब का एवरेज यहां लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखो कितना 5, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो 8, 8 और 5 किसका रेशियो आ गया
बच्चों की संख्या का, बॉयज की संख्या 8 होगी तो गर्ल्स की संख्या क्या होगी 5 होगी। वैसे टोटल कितने हैं 156 है, 156 बच्चे हैं। क्या 156 को 8 इंटू 5 में बांट सकते हो? रेशियो में डिवाइड करना जानते हो ना, 156 इंटू 8 बटा 13 और ये 156 इंटू 5 बटा 13 ये आ जाएगा 96, ये कितना आ जाएगा 60। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र इतना सा बन जाएगा कि पहले ग्रुप का एवरेज, दूसरे ग्रुप का एवरेज और सबका एवरेज। अब अपन को पहचान कैसे करनी है सवालों में कि कहां एलिगेशन का था माहौल बनेगा, जहां भी ऐसे बोले कि एक ग्रुप का एवरेज इतना है, दूसरे ग्रुप का एवरेज क्या है इतना और सबका एवरेज इतना, तो आप एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन से क्या चीज आएगी? एलिगेशन से उन ग्रुप्स में जितने मेंबर्स हैं उनकी संख्या का रेशियो आएगा। जैसे यहां लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या आएगा? रेशियो आएगा। ये रेशियो हर चैप्टर में क्या है, अलग अलग चीज का होता है। जैसे यहां एक्स और वाई कुछ संख्या मानी थी अपन ने, तो संख्याओं की वैल्यू का रेशियो। एवरेज वाले इसमें क्या होगा, हमेशा ये जो ग्रुप्स होंगे, पहले ग्रुप का एवरेज, दूसरे ग्रुप का एवरेज और सबका एवरेज, तो क्या आएगा एलिगेशन से, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनमें कितने कितने लोग हैं, कितने कितने मेंबर्स हैं, उनकी संख्या का क्या आ जाएगा रेशियो, आपको हमेशा मिल जाएगा। और उसके बाद आगे कैलकुलेशन कर दो। आप यूं भी कर सकते हो, टोटल 13 बन रहे हैं, 13 की वैल्यू कितनी है 156, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 13 से डिवाइड कर दो, 8 लड़के हैं तो 8 इंटू 12 96, 5 लड़के हैं तो 5 इंटू 12 60, ये सही बोल सकते हो। तो इसको आप उतारो, अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें आ जाओ, एक कंपनी के 18 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 540, 18 अधिकारी है उनका औसत वेतन है 540, क्लर्कों का औसत वेतन है 320। ये करेक्शन करना है यार, यहाँ पे यहाँ 300 कर दीजिए आप, क्लर्क अधिकारियों का औसत वेतन 540, क्लर्कों का 300 और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 320, ये चेंज कर दो। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एवरेज सैलरी ऑफ 18 ऑफिसर्स ऑफ कंपनी इज रुपीज 540 एंड दैट ऑफ क्लर्क्स इज रुपीज 300, इफ द एवरेज ऑफ ऑल इज रुपीज 320 देन फाइंड द नंबर ऑफ क्लर्क्स। तो यहां क्या बोलेंगे, ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स का एवरेज पता हमें कितना 540, क्लर्क्स का एवरेज क्या पता हमको कितना 300 और सभी का एवरेज कितना पता है 320। तो आप बस ये डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस बोलो, इधर इस साइड लिखो कितना 20, इन दोनों का डिफरेंस लिखो 320 540 का डिफरेंस कितना है 220, 20 और 220 का रेशियो कितना होगा 1:11। यानी यदि एक ऑफिसर है तो क्लर्क कितने हैं 11 है। अब आपको काउंटिंग किसकी दे रखी है, 18 अधिकारी बता रखे हैं कितने 18, तो एक अधिकारी है तो 11 क्लर्क हैं। यदि आप इनको 18 कर देते हो, ऑफिसर 18 है तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 11 × 18 198। यू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो ध्यान रह जाएगा ना क्या करना है, दो ग्रुप मिलेंगे आपको, एक ग्रुप का एवरेज इतना, दूसरे का इतना, दोनों का कंबाइंड एवरेज इतना, तो उसमें एलिगेशन लगाने से यहाँ क्या उन ग्रुप्स में कितने कितने लोग हैं उनकी संख्या का रेशियो आपको मिल जाएगा और वहां से आप आगे फिर काउंटिंग का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट पे आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तीन क्लासेज हैं ए बी एंड सी, उनके औसत प्राप्तांक कितने हैं 83, 76 एंड 85। कक्षा ए व बी का औसत कितना है 79, बी व सी का औसत कितना है 81। तीनों कक्षाओं के क्या चाहिए औसत प्राप्तांक हमें बताने हैं। एवरेज मार्क्स है तीन क्लासेज ए बी सी के 83, 76 एंड 85, एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 79, दैट ऑफ बी एंड सी इज 81, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द क्लासेस। देखो भैया, क्लास ए की बात करो, क्लास ए का एवरेज कितना है 83, क्लास ए का मतलब क्लास ए के स्टूडेंट्स का एवरेज कितना 83 है ना, क्लास बी के स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 76। आप बताओ ए और बी का एक साथ एवरेज कितना दे रखा है 79, तो क्या आप यहां से क्लास ए के बच्चों का एवरेज, क्लास बी के बच्चों का एवरेज, दोनों क्लास के बच्चों का एवरेज जितना है, तो क्या हम बच्चों की संख्या का रेशियो नहीं बता सकते क्या, ये 3, ये डिफरेंस कितना 4, 3, 4, यानी क्लास ए में 3 बच्चे होंगे तो क्लास बी में कितने बच्चे होंगे 4 बच्चे होंगे। बी में क्या कह रखा है, बी का एवरेज 76, सी का एवरेज कितना 85, बी और सी दोनों का एवरेज कितना है 81। यहां से बोलो डिफरेंस ये किधर कितना आएगा 5, इधर कितना आएगा 4, यानी क्लास बी में यदि 4 बच्चे होंगे तो क्लास सी में कितने बच्चे होंगे 5।
ए और बी के बच्चों का रेशियो कितना है 3:4, इसके बच्चों का रेशियो कितना है 4:5। अब क्या तुम एक साथ ए बी और सी तीनों क्लास के बच्चों की संख्या, ये देखो मैंने अभी बताया था ना, यहां से आएगा तो संख्या का एवरेज आएगा, किसकी संख्या का, मेंबर्स की, जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप्स में, यहां मेंबर कौन है बच्चे, पिछले क्वेश्चन में मेंबर कौन थे ऑफिसर और क्लर्क, उससे पीछे वाले में लड़के और लड़कियां। अब ये कैसे भी कोई भी ग्रुप बोल सकता है, साक्षर निरक्षर बोल देगा, लिटरेट इलिटरेट बोल देगा, गांव के बोल देगा, शहर के बोल देगा, साइंस वाले के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, तो ऐसे कोई भी ग्रुपिंग कर सकता है। तो उन ग्रुप्स में मेंबर्स का रेशियो आ गया, ए बी का रेशियो 3:4, बी सी का 4:5, तो इसका यहां से तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं ना। बी में यदि 4 बच्चे हैं तो ए में 3 है और बी में 4 है तो सी में 5 है, तो हमारे पास ए बी सी क्लास के बच्चों की संख्या का क्या आ गया, रेशियो आ गया। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, हमसे पूछा तीनों क्लास का एवरेज। अब हमें सेपरेटली पता है क्लास, इस क्लास का एवरेज कितना 83 है, इस क्लास का एवरेज 76 है और इसका एवरेज 85 है। हमें क्या चाहिए भाई साहब, सबका एवरेज चाहिए, तीनों क्लासेस का एवरेज एक साथ। अब ये स्कीम हम पहले भी क्या है अप्लाई कर चुके हैं, पीछे दूसरी क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे कि इतने इतने और ग्रुप्स में लोग हैं उनका एवरेज इतना इतना है, इनको कहीं इक्वलाइज कर दो, बोलो 76 पे रोक दूं क्या, यदि सभी को 76 पे मैं लेके आ जाता हूं तो आप जरा ध्यान से देखो, 76 पे यदि सबको लाते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचेगा बताओ, यहां तीन बच्चे हैं सबके पास कितना 7-7 एक्स्ट्रा है, तो 3 × 7 तो एक्स्ट्रा ये है, प्लस यहां पे 76 से 9 एक्स्ट्रा, 5 बच्चों के पास 9 एक्स्ट्रा है, तो 45 ये और 21 ये कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 66 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब सबका एवरेज क्या बोलोगे, सबका एवरेज 76 तो भैया है ही सबके पास, इस 66 को सभी बच्चों में बराबर बांट दो, कुल कितने बच्चे हैं 5, 4, 3, टोटल कितने बच्चे हैं 15 बच्चे हैं, तो 66 को 15 बच्चों में क्या कर दीजिए, बराबर बांट दीजिए, 73 प्लस ये 4 बच्चे, 15 गलत ले लिए यार मैंने, 5, 4, 9, 3, 12 होंगे, 12 तो 66 बटे क्या करेंगे 12 करेंगे, और 66/12 करेंगे तो क्या आएगा 5.5, 76 + 5.5 क्या हो जाएगा 81.5, ये अपना आंसर बन जाएगा, इसको उतारो आप। इसमें एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको यदि एलिगेशन थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, थोड़ी सी छेड़छाड़ एलिगेशन के आप साथ आप जानते हो पहले से, तो ये करने के बजाय अपन सीधा भी खेल सकते थे यहां आने के बाद, वो सीखने के लिए पहले एक काम करो, अपन थोड़ा सा साइड में चलते हैं। मैं आपको यूं कहूं, एक संख्या का 20 गुना दूसरी संख्या का 35 गुणा मिलकर सबके 28 गुणा के बराबर है, क्या उनका अनुपात बता सकते हो आप, यही बोलते हो ना ये 8 होगा ये क्या होगा 7 हो जाएगा। अब मैं यही आपको बोलूं, एक ग्रुप का एवरेज 20 है, दूसरे ग्रुप का एवरेज 35 है और सबका एक साथ एवरेज 28 है, क्या बोलते हो 7-8, ऐसे बोल सकते हो ना। तो यहां इन दोनों का डिफरेंस इधर आता है, इन दोनों का डिफरेंस इधर आता है, दोनों ग्रुप्स के मेंबर का क्या आ गया रेशियो आ गया। अब इसी बात में क्या होता है, यहां तो अपन को ये तीन चीजें दे रखी है और यहां ये रेशियो आ जाता है, कभी कभी क्या है अपने पास ये रेशियो होता है और इधर से अपन क्या कर सकते हैं थोड़ा खेल सकते हैं। आप एक चीज ध्यान से देखो, इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 7, वैसे देखो टोटल कितना बना 8 और 7 15, वो 15 क्या है 20 और 35 का क्या है अंतर ही है। और देखो आप एक बार, मान लो बोला एक ग्रुप का एवरेज 40 है, एक दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना है 75 है और सबका एवरेज कितना है 60 है, क्या बोलेंगे, यहां डिफरेंस कितना आएगा 20, इधर डिफरेंस कितना आएगा 15, ये 15-20 जो है देखो कितना 35 बन रहा है ना, और आगे भी देखो तो कितना हो जाएगा 3-4, तो ये जो डिफरेंस है ये इन दोनों का ही क्या होता है, इन दोनों का टोटल इनके गैप के क्या है बीच के बराबर होता है। अब ये जो 3:4 का रेशियो है, आप यूं बोल सकते हो ये जो 35 है ना अंतर, वो 3:4 में बटा हुआ है, इधर 15 इधर क्या 20। इसमें यह भी ध्यान रखना है, एवरेज लेते टाइम एक ग्रुप का एवरेज और दूसरे ग्रुप का जब एवरेज होता है तो एक ग्रुप का एवरेज कम होता है, एक का ज्यादा होता है, और सबका एवरेज क्या होता है उनके बीच का होता है,
अपन महंगी और सस्ती चीज को मिलाते तो क्या होता, बीच का भाव आता है ना। वैसे क्या है, कम वैल्यू के लोग और ज्यादा वैल्यू के लोगों को आप यदि इक्वलाइज करते हो तो बीच की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना। अब देखो ये तो अपन डायरेक्ट एलिगेशन लगा ही रहे, है ना। इसमें कभी कभी ऐसे अपने पास में क्या आ गया, यू आ गया, मान लो एक ग्रुप का एवरेज है 40, दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना है 60 बोल दिया, 60 बोला नहीं, ऐसे बोला दूसरे ग्रुप का एवरेज हमें नहीं पता, सबका एवरेज कितना है 48, और ये बोल दिया कि इन ग्रुप्स में कितने मेंबर है, इस ग्रुप में 24 मेंबर है, इस ग्रुप में बोल दिया कि 36 मेंबर है, कितने बोल दिए, इस ग्रुप में 24 मेंबर है, इसमें 36 मेंबर है। तो आप क्या बताओ कि आप ये वाले एवरेज बता सकते हो। देखो एक ग्रुप का एवरेज 40, दूसरे ग्रुप का एवरेज पता नहीं, सबका एवरेज कितना है 48, और उन ग्रुप में कितने कितने लोग हैं 36 24, ये हमें पता है। तो यहां देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इधर बोलो 8। अब देखो ये इन दोनों का डिफरेंस यहां आना है, इन दोनों का डिफरेंस कहां आएगा, यहां पे, और ये अनुपात ही 36 24 का रेशियो है। तो आप बताओ 8 को 24 कह रखा है या 24 8 की वैल्यू लिए हुए बैठा है, तो 36 बताओ किसकी वैल्यू लिए हुए बैठा है, 12 की। तो यहां क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब ये जो 12 है, ये 12 कहां से आया है, इस संख्या और इस संख्या का अंतर है, इस और इसका अंतर है, इन दोनों का अंतर 12 है। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 48 से 12 की दूरी पे है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, 48 इन दोनों के बीच में है, 40 से बड़ा है, तो इस संख्या से छोटा 48 है, तो यहां वाली संख्या क्या हो जाएगी, 48 प्लस 12, यहां वाली संख्या क्या हो जाएगी, 48 प्लस 12 कितना 60। तो यहां इस ग्रुप का एवरेज डायरेक्ट पता लग गया कितना है, 60 है। ये एलिगेशन वाला टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में काम अपन यूज में लेंगे, वहां और क्या हो जाएगा ये बारीकी से क्लियर हो जाएगा। यहां इसमें थोड़ा सा अपन यूज करेंगे एक दो क्वेश्चन में, वहां भी एलिगेशन जब पढ़ रहे होंगे अपने मिक्सचर वाला टॉपिक, तो एवरेज के 3-4 क्वेश्चन वापस डाल रहे हैं वहां पे, ताकि आपको क्या है ये चीज वापस अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब इसका यूज यदि इस क्वेश्चन में करते अपन तो देखो क्या कर सकते थे, हमें ये पता लग गया बच्चों की संख्या कितनी 3 4 5। अब हमें एक चीज पता है, ए और बी एक साथ बात करूं तो ए और बी का एक साथ एवरेज कितना है 79, सी क्लास के बच्चों का एवरेज कितना है, सिर्फ सी क्लास का, तो 85 है, है ना। ए और बी का एवरेज 79 है, सी का कितना 85 है। सबका एवरेज हमें बताना है, सबका किन का, तीनों ग्रुप का एवरेज बताना है, वो यहां पे आएगा ना। अब देखिए इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर ऐसे लेते हैं अपन, और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना आ रहा है, ए और बी में मिलाकर यदि 7 बच्चे हैं तो यहां कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। यदि क्लास ए और बी में 7 बच्चे हैं एक साथ, इस ग्रुप में 7 बच्चे हैं, तो सी वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब ये जो 7 5 होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ये इन दोनों का अंतर ही तो 7 5 में डिवाइड होता है, इन दोनों का अंतर। देखो ये जो 35 है वही 3 4 में 15 20 डिवाइड हुआ है, यहां देखो ये 15 है तो 7 8 15। तो आप इन दोनों का जो अंतर है 79 और 85 का अंतर कितना है, 6। 6 को 7:5 में बांटो, 6 को 7 5 में बांटो, कितना आएगा, इधर तो 3.5 और इधर 2.5। अब गौर करो यहां वाली संख्या ऐसी है जो 85 से कितनी कम है, 3.5। तो एवरेज क्या बोल सकते हो सबका, 85 से 3.5 क्या कर दो, माइनस कर दो, 81.5 आ जाएगा, या इससे 2.5 क्या ज्यादा, तो आप 79 प्लस 2.5 भी कर सकते हो, तो भी क्या आएगा, 81.5 ही आएगा। ये भी आप कर सकते थे, ये आपको जचे तो ठीक है, वरना वो वाला तरीका भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको उतारो फिर अगले पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। 14 छात्र हैं, उनमें से पहले 8 का एवरेज कितना है, 42 किलो है, और शेष छात्रों का औसत वजन सभी के औसत वजन से कितना, 6 किलो ज्यादा है। सभी का एवरेज हमें बताना है। आउट ऑफ 14 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 8 इज 42 केजी, या केजी लिख लेना यार, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज 6 मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ये लाइन बड़ी काम की, 6 मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चे कितने हैं, 14। सबका एवरेज बताना है, हमें पता ही नहीं इनका एवरेज क्या है, तो 14 बच्चों का एवरेज हमने कितना मान लिया, x मान लिया, सभी का एवरेज कितना, x। 8 बच्चों का एवरेज कितना है,
42 दे रखा है अपन को और बच गए 6 बच्चे। इन 6 बच्चों का एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ रिमेनिंग 6 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। इन 6 का शेष छात्रों का औसत वजन सभी के औसत से 6 किलो क्या है ज्यादा है, सभी का तो एक्स है ना, तो इन 6 का एवरेज क्या है? एक्स प्लस 6 है। तो अब आप यहां से टोटलिंग कर दो, 14 बच्चे एवरेज एक्स है, टोटल बोलो 14x, 8 का टोटल कितना 8 × 42, 6 का टोटल 6 × x + 6, ये और ये मिलकर इसके क्या है बराबर हो जाएंगे। इसका हिसाब कर दो, इधर क्या आएगा 6x, 14x और 6x क्या आएगा 8x, 8x बराबर 8 × 42 + 6 × 6 = 36। अब x की वैल्यू निकालेंगे लिए क्या करो, 8 से डिवाइड करो, 8 से इस टर्म को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 42, और 36 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.5, 46.5 क्या बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का सर हो जाएगा। इतना सही है बस। एक तो आप ये कर दो, ये भी क्या है कि बहुत कई बार बच्चे क्या एलिगेशन को लेकर इमोशनल हो जाते हैं कि यार एलिगेशन से काम फटाफट होता है। एलिगेशन यदि डायरेक्ट लगा रहे कि एक ग्रुप का एवरेज इतना, दूसरे का इतना, सबका इतना, तो एलिगेशन बहुत ही फटाफट काफी हेल्प करता है अपनी। लेकिन यदि इनवर्स में लगा रहे हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हेल्प करता है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उतना सोचने में यदि आप टाइम लगाओ उसके बजाय तुम्हारे यदि बेसिक्स अच्छे हैं तो एक ही लाइन का है बस, इतना ही है सवाल। ये आइटम तो ऊपर वाला तुम्हें समझाने के लिए लिख रखे हैं, एग्जाम में तो ऐसे पढ़ेंगे। तो 8 14 बच्चे हैं उनका एवरेज पूछा है, 14 का एवरेज एक्स, टोटल 14x, 8 का 8 × 42 टोटल, बाकी 6 बच्चे हैं तो उनका एवरेज क्या है सबके औसत से 6 ज्यादा, 6 × x + 6, ये 14x 6x 8x, एक्स का मान निकालेंगे 8 से डिवाइड करो इसको 42, 36 को डिवाइड करो 4.5, बस इतनी सी कैलकुलेशन है, हो गया। और इतना तो एलिगेशन में भी क्या है लिखना पड़ता है। तो ये चीज क्या है, थोड़ा रिविजन अपन करेंगे अपने आप ही क्या है, अपने बेसिक से भी क्या है अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आप कोई बच्चे तसल्ली के लिए लगाना चाहेंगे यार हमारा तो मन करता है एलिगेशन लगाने का, तो एलिगेशन से देखो क्या करेंगे, क्या बोल रखा है 8 बच्चे हैं, 8 का एवरेज कितना है 42, है ना, पहले ग्रुप का एवरेज 42 बता दिया ना, सबका एवरेज कितना पता ही नहीं एक्स मान लिया, और बाकी बच्चों का एवरेज क्या है 6 ज्यादा है। अब इन दोनों ग्रुप में जो बच्चे हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है 8:6, 8 और 6 बच्चे हैं ना, यानी 4:3 रेशियो लो इनका। इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जो बच्चे हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है 4:3। अब जरा ध्यान से देखो इस डिफरेंस का अपन यूज लेंगे, 8 6 संख्या है तो बच्चों की संख्या का ये अनुपात कितना आएगा 4:3। अब ये 4:3 कहां से आता है, इनके डिफरेंसेस का ही तो अनुपात होता है, इन दोनों का डिफरेंस बोलो क्या आएगा 6, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा वो भी अपने एक बार चाहिए। ये तो दिख रहा ना इन दोनों का अंतर 6 है, यहां वाला डिफरेंस चाहिए। अब देखो 6 का और यहां वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का अनुपात क्या है 4:3। अब 4 को आप 6 लिख रहे हो, 4 को 6 लिख रहे हो तो 1.5 से गुणा कर रहे हो, 3 को बताओ क्या लिखेंगे, 3 को 4 को 6 लिखा है 1.5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां वाली वैल्यू क्या आएगी 4.5 आएगी, यहां की वैल्यू क्या आएगी 4.5, देखो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या आ गई 4.5 आ जाएगा। अब ये संख्या जो है इससे तो छोटी है लेकिन इससे क्या होगी बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी और इससे 4.5 का अंतर होना चाहिए, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 + 4.5, 42 + 4.5 क्या हो जाएगा 46.5, यू आप कर सकते हो। ये उतारो नेक्स्ट पे आ जाओ, वैसे ही क्वेश्चन है, लगभग 24 कर्मचारी हैं, उनमें से पहले 16 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 172, शेष का तो क्या लिखेंगे बोलो, सभी के औसत से 12 कम है, 24 एम्प्लॉयज हैं, उनका एवरेज सैलरी कितनी एक्स मान ली, एवरेज सैलरी ऑफ फर्स्ट 16, पहले 16 ही कितनी है 172, एंड देट ऑफ रिमेनिंग कितने 8, उनकी कितनी है सभी के एवरेज से 12 कम, एल लिख लो भैया 24x टोटल, 16 की 16 × 172 और 8 की 8 × x − 12, ये दोनों मिलके इसके क्या है बराबर है। इधर देखो 24x है, इधर 8x बनेगा, 8x − 96 है ना, ये इधर घटेगा तो क्या आएगा 16x, 16x बराबर 16 × 172 − 96। अब x की वैल्यू के लिए 16 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करो, दो पद हैं, एक तो ये टर्म है एक ये टर्म, इसको डिवाइड करोगे तो सीधा क्या आएगा 172 − 96 = 16, 172 − 6 = 166,
सभी बच्चों का एवरेज 166 आ गया, लेकिन तुमसे सभी का एवरेज पूछा है क्या? नहीं, तुमसे क्या पूछा है? टोटल सैलरी ऑफ ऑल 24, सबका एवरेज इतना है, 24 एम्प्लॉइज है और उनका एवरेज इतना है, तो टोटल कितना बोलोगे? 24 × 166, इसका हिसाब कर दो। 2400 तो एक हो जाएगा, 2440 एक हो जाएगा, तो 3840 और 144 करोगे तो 13984। यदि एलिगेशन लगाने का जी करे तो आप यूं कर सकते हो, पहले 16 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है, 16 बच्चे एक ग्रुप में 172, बाकी बच्चों का क्या है, सभी के एवरेज, सभी का एवरेज एक्स है तो बाकी का क्या है, एक्स माइनस 12 है, और इन दोनों ग्रुप में बच्चों की संख्या, सॉरी एम्प्लॉयज की संख्या का अनुपात क्या है, 16:8, यानी क्या रेशियो आ रहा है, 2:1। इन ग्रुप्स में जो मेंबर है उनका रेशियो कितना है, 2:1। ये रेशियो कहां से आता है, ये तो यहां से तो अपन को पता लगा, इधर से देखोगे तो क्या करोगे, ये अंतर इधर लिखते हो 12, इधर क्या होना चाहिए वो अपन को पता करना। अब आप 2 को यदि 12 लिख रहे हो, इन दोनों डिफरेंसेस से ही तो ये 2:1 निकला होगा, तो 2 को यदि 12 कहते हैं तो 1 को क्या कहोगे, 6, 1 को कहेंगे 6, तो इन दोनों का अंतर है 6। ये चीज इससे ज्यादा है, x माइनस 12 से x ज्यादा है तो इससे क्या होगी, कम होगी, 172 से कम होनी चाहिए कितनी, 6, तो x क्या हो जाएगा, 172 माइनस 6 166, ऐसे, और 166 से 24 को मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा मायावी तरीका है, ठीक है समझ लेते हैं, ये भी एक एडिशनल, कहीं मन कर गया आपने स्टार्ट किया इससे कर दो, इससे स्टार्ट किया इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुणा उणा नहीं करना पड़ा, बस लास्ट में 96 को थोड़ा से डिवाइड करना पड़ा है। इतनी कैलकुलेशन की उम्मीद आपसे कर भी लेते हैं कि यार टेबल्स 30 तक तो ढंग से आपको याद होंगे, और वो याद रहती है तो ज्यादा पीड़ा होती है नहीं। अगले पे आओ, 64 पे, एक हॉस्टल में 48 विद्यार्थी रहते हैं, 8 नए विद्यार्थी आने से भोजन का खर्च क्या हो गया, 168 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में क्या हो गई, 4 रुपए की कमी आ गई, पर हेड जो है उसमें 4 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई, तो भोजन पर मूल खर्च की बताना है। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, आफ्टर द एडमिशन ऑफ 8 न्यू स्टूडेंट्स द एक्सपेंसेज ऑन फूड इंक्रीजेस बाई रुपीज 168 पर डे, 8 बच्चों के आने से टोटल कितना खर्चा बढ़ गया, 168 पर डे, बट द पर हेड एक्सपेंसेस डिक्रीजेस बाई रुपीज 4, पर हेड खर्चा क्या हो गया 4 से, पर हेड क्या होता है, वही तो एवरेज होता है, वो 4 से घट गया एवरेज, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंसेस ऑन द फूड। देखो 48 बच्चे हैं, उनका एवरेज खर्च कितना मान लो, एक्स मान लो स्टार्टिंग में, 48 का एवरेज खर्च कितना है, एक्स, फिर 8 नए बच्चे आ गए, इन 8 नए बच्चों का एवरेज नहीं बता रखा, इनका टोटल ही बता रखा सीधा ही 168, आप चाहो तो एवरेज निकाल सकते हो, 8 का 168 टोटल है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 21, और टोटल कितने लोग हो गए, 48 और 8 56 बच्चे हो गए, 56 बच्चों का एवरेज क्या हो गया, औसत खर्च में 4 की कमी आ गई, पहले एवरेज एक्स था तो अब एवरेज कितना हो गया, एक्स माइनस 4। अब यहां से हिसाब कर दो, 48 बच्चों का एवरेज खर्च एक्स है तो टोटल खर्च क्या रहा होगा शुरुआत में, 48x प्लस 8 का टोटल ही दे रखा कितना, 168, और 56 बच्चों का सबका क्या होगा, 56 × x − 4, इधर क्या आएगा, 56 × 224, 48x 56x डिफरेंस बोलो 8x, इसको इधर लाके जोड़ दो, 22 और 16 कितना होगा, 38392, 84 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। हमें पता लग गया कि इनिशियली 48 बच्चों का एवरेज क्या था, 49 था, तो मूल खर्च चाहिए, ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितना था, 48 का एवरेज एक्स, तो टोटल 48x, तो आंसर क्या होगा, 48x, दैट विल बी 48 × 49, और ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लोगे, इकाई यूनिट डिजिट का भी यूज करते हो ना, 9 × 8 72 लास्ट में 2:1 में ही आ रहा है, तो ये अपना आंसर, कभी कभी गुणा करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे काम हो जाता है, करोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अपन इसको सुलझा सकते हैं। यदि आपका मन करे एलिगेशन लगाने का, तो 48 का एवरेज कितना है पता ही नहीं, एक्स, 8 का एवरेज कितना, 8 बच्चे, 8 बच्चों का एवरेज बता सकते हैं हम, 168/8 करके 21, और सभी का एवरेज कितना हो गया, एक्स माइनस 4। अब ग्रुप में मेंबर देखो क्या, पुराने वाले बच्चे कितने थे, 48, नए वाले कितने, 8,
इनका रेशियो बोलो 6:1 है ना, इनका रेशियो कितना है 6:1। अब ये अंतर देखो, इसका और इसका अंतर कितना है 4। आपने यदि 1 को 4 कहा है तो 6 को कितना कहोगे 24, 6 को कितना कहोगे 24। तो इस संख्या का और इसका डिफरेंस कितना है 24, 21 का और इस संख्या का डिफरेंस 24 है, 21 का किसके साथ अंतर 24 है, तो यहां वाली संख्या क्या हो जाएगी 21 + 24 कितनी 45 है ना, ये एवरेज 45 हो गया। लेकिन ये पुराना वाला ये 45 है, एक्स माइनस 4 45 है, तो यहां वाली वैल्यू क्या होगी 45 से 4 ज्यादा 45 + 4 49, एवरेज 49 आ गया, टोटल 48 × 49 कर सकते हो। इसको नोट करिए और नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोला, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन है 72 किलोग्राम, अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन कितना है 78 किलोग्राम वो छोड़कर चले जाते हैं, 4 नए बालक आ गए जिनका वजन कितना है 80 किलोग्राम वो इंक्लूड हो गए, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो समूह में शुरू में छात्रों की संख्या क्या है, स्टार्टिंग में बच्चों की जो संख्या थी वो क्या थी, ये चेंज होने से पहले। एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 72, एक ग्रुप है उसमें कुछ मेंबर्स थे उनका एवरेज है 72 किलो। 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78, 10 बच्चे जिनका एवरेज 78 है वो चले जाते हैं, एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg ज्वाइन द ग्रुप, तो 4 नए बच्चे जिनका एवरेज 80 है वो ज्वाइन करते हैं। देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल डिक्रीजेस बाय 0.7, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप जो थे वो हमें बताना है। देखो महाराज, एक तो अपन क्या कर लो, बिल्कुल बेसिक से चल लो, मान लो स्टूडेंट्स कितने होते स्टार्टिंग में x होते, इनका एवरेज 72, तो आप टोटल कितना बोलते 72x बोलते ना, बेहतर x बच्चे एवरेज बेहतर, तो टोटल क्या होता 72x। अब नया टोटल आएगा, न्यू टोटल आएगा क्या करने पर, कुछ बच्चे जाएंगे कुछ आएंगे, तो न्यू टोटल कितना होगा 72x में से 10 बच्चे जिनका एवरेज है 78 ये तो चले गए, प्लस 4 बच्चे जिनका एवरेज है 80 वो क्या हो गए ग्रुप में आ गए, ये न्यू क्या हो गया अपना टोटल हो गया 72x माइनस इसका हिसाब करोगे 780 और 320 तो इधर 460 आ जाएगा ना, ये नया टोटल है। अब न्यू एवरेज कैसे निकालोगे आप बताओ, न्यू एवरेज 72x में से 460 घटा रखा है, इसमें किसका भाग लगाओगे, पहले बच्चे क्या थे x थे, अब 10 चले गए तो 10 कम हो गए लेकिन क्या 4 आ गए, तो कुल मिला के टोटल कितना बचा x माइनस 6 बचा ना, नए बच्चों की संख्या क्या होगी x में से 10 चले गए और 4 आ गए तो टोटल क्या बचा बच्चों की संख्या x माइनस 6, तो ये नया टोटल उसमें बच्चों की नई संख्या का भाग लगाया, ऐसा करने पर एवरेज कितना हुआ 0.7 कम हुआ है। अब 72 एवरेज था उसमें से 0.7 यदि कम करोगे तो महाराज क्या आएगा 71.3 आएगा, इसको सुलझा लो, 72x - 460 बराबर इसको मल्टीप्लाई करो 71.3 × x, इसको 6 से गुणा करो 7 × 6 = 420 और 13 × 6 = 78 427.8। 72x और 71.3x इनका डिफरेंस क्या आएगा 0.7x और इधर क्या आएगा 460 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना 30 तो एक है और 2.2 है 32.2, x की वैल्यू क्या आएगी 322/7 7 × 4 = 28 42 46। तो बच्चों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 46 आ गई। तो यदि आप फटाफट करते हो तो ये भी कोई घना बड़ा नहीं है, ये भी कैलकुलेशन ठीक ठाक सी थी। अब क्या है कि थोड़ा सा अपन क्या है एवरेज की वही इक्वलाइजेशन वाली अप्रोच का यूज करते हैं तो और थोड़ा सा सस्ता इसको अपन बना लेंगे। वो क्या है आपको ये है कि आप जब कर रहे हो तो आपको ठीक है छोटा वाला तरीका ढूंढने का प्रयास करना है लेकिन बेसिक से भी करना है हर सवाल को, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा होगा कि आपको छोटा तरीका या नहीं मिल पा रहा या सोच नहीं पा रहे हो, ऐसे बन जाते हैं कई बार सवाल कि आप क्या है ठीक है आपने 100-200 क्वेश्चन निकाले उसके बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें नहीं बन रहा कोई जुगाड़, तो वहां क्या काम आएगा बेसिक काम में आएगा, तो बेसिक तो साथ में लेके ही चलने। अब देखो इसमें सीधा क्या कैसे करेंगे, सब बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है 72 है, सबका एवरेज कितना है 72। अब 72 से मैं कंपेयर करता जाऊंगा
ये जो 10 बच्चे गए हैं ना, इनका औसत वजन कितना है? 78। तो ये जाते टाइम बेहतर हर बच्चा एवरेज से कितना कितना लेके चला गया? 78 वाले गए हैं तो हर बच्चा 6-6 एक्स्ट्रा लेके चला गया, 6-6 एक्स्ट्रा लेके गया है। तो इसका मतलब एवरेज से कंपेयर करते हैं तो 10 बच्चे 6-6 एक्स्ट्रा ले गए तो कुल मिला के कितने की कमी हो गई? 60 की कमी होगी ना, टोटल 60 की कमी हो गई। फिर क्या हुआ, चार बच्चे जिनका वेट है 80 किलो वो आ गए, 80 किलो वाले चार बच्चे आए हैं तो बेहतर से देखो तो 8-8 किलो क्या एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। तो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं? ये चार बच्चे 8 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं तो ये 32 एक्स्ट्रा लेके आएंगे। लेकिन देखो यहां एवरेज से टोटल में 60 घट गया, 32 जुड़ेगा तो ओवरऑल 28 में एवरेज से कंपेरिजन करते हो तो ओवरऑल 28 किलो का तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना एवरेज से कंपेयर करने पे। अब ओवरऑल 28 का लॉस होने से, ओवरऑल 28 का लॉस होने से एवरेज में 0.7 की कमी आ गई। तो बताओ 0.7 पर ऐड करके 28 किलो कितने बंदों में होगा भाई? 28/0.7 कितने? 40। बच्चों की संख्या कितनी? 40। लेकिन कब है बच्चों की संख्या 40? ये है ओवरऑल लिस्ट, 10 गए हैं और 4 आए भी हैं, उसके बाद 40 है। शुरुआती संख्या होती बच्चों की एक्स, उसमें से 10 गए 4 आ गए तब जाके क्या बचा हुआ है? 40 बचा हुआ है। इसका तुम हिसाब कर दो, ये हिसाब करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। क्योंकि 10 गए हैं 4 आए हैं तो ओवरऑल 6 का डिक्रीज हुआ है ना, तो 6 कम होने के बाद 40 है तो टोटल 46 सीधा भी बोल सकते हो। ये उतार लो और अगले सवाल पे चलते हैं। ये पढ़ो सवाल, एक समूह में 20 पुरुष हैं, महिलाओं व बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में कितनी अधिक है? 4 अधिक है। और महिलाओं बच्चों का एवरेज कितना है? 54, 49 और 30। यदि पूरे समूह का औसत वजन कितना है? 48.25 किलोग्राम। तो महिलाओं और बच्चों की संख्या का अंतर हमें बताना है। देर आर 20 मेन एंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ मेन। मेन बता दिए कितने? 20 है। वुमेन एंड चिल्ड्रन कितने हैं? मिलाकर पुरुषों से 4 क्या है? एक्स्ट्रा है। एवरेज वेट ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर 54, 49 और 30 केजी बता रखा है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज 48.75, ये यार करेक्शन करना, यहाँ हिंदी में सही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 0.25 कर दो, 48.25 केजी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें औरतों और बच्चों की संख्या का हमें क्या करना है? अंतर बताना है। तो भैया देखिए 20 क्या है हमारे पास? पुरुष हैं, मेन 20 हैं, ये 20 है, इनका एवरेज कितना है? 54 है। हम इनका टोटल बता सकते हैं कितना? 1080। वुमेन एंड चिल्ड्रन मिलाकर कितने हैं? बोला 20 से 4 एक्स्ट्रा, टोटल कितने? 24 है। तो यदि वुमेन को, औरतों को एक्स मानते हो तो ये कितने हो जाएंगे? 24 माइनस एक्स। इनका एवरेज 49 है और इनका एवरेज कितना है? 30 है, ठीक है। और सभी का एवरेज कितना है? सभी का कुल कितने लोग हैं? 20 ये, 24 ये, टोटल 44 है। 44 का एवरेज कितना है? 48.25। तो आप 44 का एवरेज यदि 48.25 है तो टोटल बता सकते हो ना। 44 को 48 से गुणा करो, 46 का स्क्वायर माइनस 4 करो, कितना आएगा? 2112। 2112 और फिर 44 को 0.25 से गुणा करो तो 11 हो रहा है, 2123 आ जाएगा। देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा था, 44 को 48.5 से गुणा करना है 0.25 से। तो पहले 44 को 48 से कर लो, तो 44 को 48 से गुणा करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, ये 46 माइनस 2 है, ये 46 प्लस 2 है, ये मेंटली करना है, ये एक बार यहाँ तो बता ही रहा हूँ। 46 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना तुम लोगों को आता है? 46 का स्क्वायर क्या हुआ? 2116 में से ये मेंटली करना है। ये आने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि तुम गुणा करके निकालो, यदि मेंटली आता है तभी काम का है, वरना 46 × 46 मल्टीप्लाई करें उससे बढ़िया तो फिर 44 को 48 से गुणा ही कर लो। तो 2116 या 4, 2112 तो ये हो गया, और फिर 44 को यदि 0.25 1/4 होता है उससे गुणा कर दो, 11 और हो जाएगा, तो 2123 हो गया। अब भैया ये तो किसका टोटल है? पुरुषों का, ये है सबका। अब औरतों और बच्चों के बारे में क्या है? उनका टोटल आप निकाल लो, एक्स महिलाएं एवरेज है 49, तो टोटल क्या बोलोगे? 49 एक्स।
यहां से क्या बोलोगे 24 माइनस एक्स बच्चे हैं एवरेज है 30, तो टोटल क्या बोलोगे 24 माइनस एक्स इंटू 30, ये महिलाओं का टोटल, ये बच्चों का टोटल, और इन दोनों का टोटल क्या है 2123 में से 1080 क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, ये आप माइनस करोगे तो 2080 तक तो 1000 हो गया और उसके बाद 1043 हो जाएगा। इसका हिसाब करो 49x माइनस 30x क्या बचेगा 19x प्लस 720 बराबर 1043, ये आप घटाओगे तो 19x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 323, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, एक्स 17 आ गया। इसका मतलब औरतें कितनी हैं, वुमेन कितनी हैं 17 और चिल्ड्रन कितने हैं 24 माइनस 17 कितने 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 10 अपना क्या हो जाएगा आंसर, और 10 यार ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन में भी करेक्शन करो, कितना आएगा 10 कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। इसको उतार लो, अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसमें ये है कि कोई बहुत ज्यादा ज्ञान वाला सवाल नहीं है, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लो और खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है 2011 से 2024-14 तक एक कंपनी की औसत बिक्री कितनी है 428 करोड़ रुपए है, जबकि 2012 से 2015 तक कंपनी की औसत बिक्री कितनी है 439 करोड़ रुपए। यदि वर्ष 2011 की बिक्री वर्ष 2015 की बिक्री का, अच्छा यहाँ कुछ आएगा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है 7/8, यहाँ 7/8 करना है यार बेटा, यहाँ क्या आएगा इस जगह 2011 की बिक्री 2015 की बिक्री का 7/8 है, तो वर्ष 2015 में कंपनी की बिक्री क्या है ये अपन को बताना है। एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी फ्रॉम 2011 to 2014 इज रुपीज 428 करोड़ एंड दैट एवरेज सेल्स फ्रॉम 2012 to 2015 इज रुपीज 439 करोड़। देन इफ द सेल्स इन 2011 इज 7/8 ऑफ द सेल्स इन 2015 देन फाइंड द सेल्स इन 15। देखो भैया हमारे पास कितने साल हैं, 5 साल हैं, 11, 12, 13, 14 और 15, एक बार पूरा लिख के करते हैं फिर छोटा सा कर देंगे अपन इसको, ये 4 साल ए बी सी डी और मान ली 5 साल, यहां से क्या बोलोगे तुम पहले 4 साल का एवरेज कितना है बोलो 428, तो टोटल क्या बोलोगे 428 इंटू 4, और अगले 4 साल बी सी डी ई इन चारों सालों का एवरेज है 439, टोटल कितना बोलोगे, साल अभी भी 4 है 439 इंटू 4। अब देखो यहां से तुम डिफरेंस ले सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें से इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, 4 कॉमन ही 11 का फर्क है ना, तो यहां तो आएगा 44, इधर क्या आएगा ई माइनस ए, ई माइनस ए कितना है 14 है, और क्या बोला है 11 की बिक्री ए, ए जो है वो 15 वाली बिक्री का कितना है 7/8 है, तो ए की वैल्यू क्या लिख दो ई माइनस ई इंटू 7/8 बराबर 14, 8e-7e, ये 14 गलत लिख दिया बेटा, ये 11 का अंतर है एवरेज में और 4 कॉमन आएगा 11 इंटू 4 44 आएगा, e by 8 कितना होगा 44, e की वैल्यू 8 इंटू 44 हो जाएगी, that will 352। या तो तुम ऐसे करो या एक काम तुम ये भी कर सकते हो डायरेक्ट a बराबर e इंटू 7/8 है ना, a और e का क्या ले लो रेशियो ले लो, a और e का रेशियो क्या होगा, यहां यदि एक की सेल्स है तो यहां कितने की सेल्स होगी 7/8 की, कितना फर्क आएगा क्या अनुपात क्या होगा 7/8, यानी 2011 में सेल्स यदि 7 की है तो 2015 में सेल्स कितने की 8 की है, इन दोनों का अंतर यहां से पता लग गया 44 है, अंतर कितना दिख रहा है एक, एक का मतलब 44 है तो 8 का मतलब क्या होगा 8 × 44, ये तो है कि यदि पूरा अपन ठीक है सजा के करते हैं, एक यदि अपन डायरेक्ट खेलते हैं तो तुम एक काम कर सकते हो, यहां से हमें ये पता लग गया कि 2011 और 15 की बात करूं, इस साल बिक्री एक होगी तो इस साल बिक्री 7/8 है, तो बिक्री का रेशियो कितना आ गया 7:8, एक तो ये चीज, दूसरा क्या है पहले 4 साल थे 2011 से 2014 फिर 12 से 15 फिर भी क्या है 4 साल, यानी 11 की जगह सिर्फ 15 आया है, 4 साल का ही एवरेज पहले 4 साल का ही एवरेज बाद में है, और एवरेज में फर्क क्या है, एवरेज 428 के बजाय 439 हो गया, एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ 11 करोड़ का 4 साल में,
पहले चार साल थी, बाद में भी चार साल, चार के एवरेज में 11 का फर्क है। तो एवरेज 428 से 439 गया, तो एवरेज में इंक्रीज कितना, एवरेज में इंक्रीज कितना 11 का, तो टोटल में इंक्रीज कितना होगा, टोटल में इंक्रीज 4 गुना 11 कितना 44, क्यों, क्योंकि ये 4 का एवरेज है, ये भी 4 का एवरेज है, रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, 11 की जगह 15 वाली साल आ गई, तो 4 सालों के एवरेज में यदि 11 का फर्क पड़ रहा है, 11 करोड़ का, तो टोटल में कितने का फर्क पड़ेगा, 44 करोड़ का। इसका मतलब 11 और 15 वाले इन दो सालों का जो एवरेज है उनमें, उन जो सेल्स है उनमें 44 करोड़ का फर्क है। वैसे यहां से दिख रहा है एक एक का मतलब 44, वही 8 का मतलब 8 इंटू 44, बाकी तो फिर क्या सेम ही है, 352। लिखो इसको और इस पे आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें क्या बोला, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 32 डिग्रीज एंड द एवरेज फ्रॉम ट्यूजडे टू फ्राइडे इज 38 डिग्रीज। इफ द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज 78, देन द टेम्परेचर ऑन मंडे हमें बताना है। सोमवार से गुरुवार तक का टेम्परेचर बता दिया 32 और मंगल से शुक्रवार का बता दिया 38। सोमवार और शुक्रवार के तापमान का योग है 78, तो सोमवार का तापमान याद कीजिए। यदि पिछला क्वेश्चन हमने समझ लिया है डायरेक्ट, तो हम एक डायरेक्ट खेल कर सकते हैं, क्या मंडे और फ्राइडे का टोटल कितना है, मंडे और फ्राइडे का टोटल कितना है 78, ये तो दे रखा है हमें। पहले सोमवार से गुरुवार तक चार दिन, पहले चार दिन का एवरेज कितना है 32, उसके बाद यदि मंगलवार से शुक्रवार जाते हो तो भी तो चार ही दिन है, उनका एवरेज कितना है 38। आप बोलो एवरेज में चेंज कितना है, एवरेज में चेंज बताओ कितने का है, 6 का, चार दिनों के एवरेज में चेंज 6 का है, तो टोटल में चेंज कितना होगा बताओ, 6 × 4 = 24 बोल सकते हैं क्या, चार दिनों का एवरेज 6 बढ़ रखा है, इसका मतलब टोटल कितना बढ़ा होगा, 24 बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा है ये 24, क्योंकि पहले मंगल सोमवार से शुरू करे थे, फिर सोमवार की जगह कौन आ गया, शुक्रवार आ गया, मंगल बुध गुरु तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सोमवार की जगह शुक्रवार को लेते ही टेम्परेचर में 24 का चेंज हो गया। तो इसका मतलब यूं बोल सकते हैं ना कि शुक्रवार और मंगलवार सोमवार के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 24 है। फ्राइडे माइनस मंडे कितना है 24, और फ्राइडे प्लस मंडे हमें दे रखा है कितना 78। इन दोनों से किसका चाहिए हमें बोलो, सोमवार का चाहिए, छोटी वाली वैल्यू चाहिए ना, तो कल परसों तुम्हें बताया था क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, 54/2 कितना 27 अपना आंसर बन जाएगा। ये इसमें डिग्री करो यार, डिग्री यहां होना चाहिए था, डिग्री 0 काट दो, डिग्री लगा दो, 27 डिग्री आंसर। फ्राइडे प्लस मंडे दे रखा है 78, हमने सीधा क्या किया, पहले चार दिन का 32 है सोमवार से गुरुवार का, और मंगलवार से शुक्रवार फिर से चार दिन है, मंगल बुध गुरु तो यहां भी और यहां भी है, फर्क किसमें है, सिर्फ सोमवार की जगह शुक्रवार आ गया, सोमवार की जगह मंडे की जगह फ्राइडे आने से एवरेज में 6 का चेंज आया, तो टोटल में 24 का चेंज। इसका मतलब फ्राइडे वाला जो टेम्परेचर है वो मंडे से 24 ज्यादा है। इन दोनों बातों से फिर अपन ने मंडे का टेम्परेचर निकाल लिया। इस पे आओ नेक्स्ट। 48 बच्चे हैं, उनके औसत अंक कितने हैं, 56 निकाले गए हैं। बाद में क्या पाया गया कि तीन छात्रों के अंक 42, 68 और 71 की जगह गलती से क्या ले लिए गए, 54, 38 और 17 चढ़ा दिए गए। तो हमें क्या बताना है, सही औसत बताना है। सही औसत बताना है तो हमें पहले जोड़ को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। एवरेज के बारे में हम क्या जानते हैं, एवरेज सबका क्या होता है, बराबर हिस्सा होता है। 48 जो बच्चे हैं सबके पास क्या वैल्यू है फिलहाल, 48 का एवरेज है 56, तो 48 बच्चे किस वैल्यू पे बराबर बैठे हुए हैं, सबके हिस्से में 56 आ रखा है। गलतियां सुधारेंगे तो ये हिस्से में क्या होगा, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, वो हमें देखना है। अब देखो गलती सुधार कार्यक्रम के तहत क्या करोगे, 42 गलती हुई क्या है, 42, 68 और 71 इनकी जगह ये ले लिए गए, क्या हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर बाय मिस्टेक टेकन। ये तो लिए गए किन की जगह, इंस्टेड ऑफ, ये होने चाहिए थे उनकी जगह ये ले लिए गए, ये मार्क्स थे एक्चुअल, उनकी जगह ये मार्क्स ले लिए गए। तो जो सही है उनको आप जोड़ोगे, 42 + 68 + 71, गलती सुधार कार्यक्रम में इनको जोड़ा जाएगा और इनको घटाया जाएगा, 54
38 और 17, इनका हिसाब कर दो भाई साहब। अब ये जोड़ लो 10 17 181 ना, ये 5 3 8 1 9 9 12 19 109, कितने का फर्क पड़ा? 72 का, प्लस का 72। इसका मतलब गलती सुधारने के लिए टोटल में क्या जोड़ेगा बताओ? गलती सुधारने के लिए टोटल में जोड़ेगा 72। 48 बच्चों के औसत अंक, 56 तो हर बच्चे के पास में है ही, यदि आप गलती सुधारोगे तो टोटल में 72 जोड़ना है। अब ये सारे बच्चे 56 में तो पहले से है ना, आप टोटल में 72 जोड़ के फिर डिवाइड करो, या सीधा ही इस 72 को, इस 72 को, एक्स्ट्रा 72 को सभी बच्चों में बराबर बांट दो, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 56 तो सबके पास है ही, 56 + 72/48 ये कर दो, 56 + 1.5 कितना? 57.5, ये अपना आंसर बन जाएगा। देखो इसमें तुम यदि पूरा ही लिखते कि यार 48 का टोटल 48 × 56, ये तो क्या है सही, अभी शुरुआत में जो टोटल दे रखा है 48 का एवरेज 56 तो टोटल इतना। अब उसमें गलती सुधारने के लिए आप क्या करते, 181 जोड़ते और 109 क्या करते, घटाते, इन सही चीजों को जोड़ देते, इनको घटा देते, तो टोटल क्या आता, 48 × 56 + 72। एवरेज निकालने के लिए वापस 48 से डिवाइड करते, ये कट जाएगा, यहां बचेगा 56, ये 72/48। तो वही चीज अपन ने क्या है, बस सीधे करिए कि 56 तो सबके पास में है ही, गलती सुधारने के लिए इन तीनों को जोड़ो, यानी 181 जोड़ना है और इनको हटा देना है, तो कुल मिला के 72 जोड़ना सब में। अब सबको यदि 72 मिलेगा तो पर हेड कितना आएगा, 72 को 48 बच्चों में बराबर बांट दो तो डेढ़ डेढ़ मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, 56 पहले से ही है, डेढ़ एक्स्ट्रा 57.5। नेक्स्ट पे आओ, दो चीजों का एवरेज कितना है 63, बाद में पता चला कि 26 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, 62 पढ़ लिया गया, और 43 को 34 पढ़ लिया गया। यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि मात्र क्या थी, 90 थी, तो तदनुसार सही औसत हमें बताना है। एवरेज ऑफ 100 थिंग्स इज 63, लेटर इट वॉज फाउंड दैट बाई मिस्टेक 26 इज रीड एज 62 एंड 43 एज 34। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ थिंग्स वॉज नॉट 100 बट इट वॉज 90 ओनली, देन फाइंड द करेक्ट एवरेज। यानी वो चीजें 100 के बजाय 90 थी। आप पहले तो ये देखो, 100 चीजों का एवरेज 63 है, टोटल कितना होगा 100 × 63 ना, ये यहां से टोटल होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ गलती है। गलती क्या कि 26 की जगह गलती से क्या ले लिया गया, 62 ले लिया गया, तो 62 को तो हटाना है और 26 को जोड़ना है, ये करोगे ना। 43 को 34 पढ़ लिया गया, तो गलत को हटाओ सही को जोड़ो, यानी 43 को जोड़ो और 34 को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसका हिसाब करोगे तो टोटल क्या बनेगा, 100 × 63, ये -36 + 9 - 27, ये टोटल, इस टोटल को नया एवरेज निकालने के लिए चीजें कितनी है, 90, तो सिर्फ 90 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 27 को यदि डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.3, और ये घटाओगे तो क्या आएगा, 69.3। या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट ही हिसाब कर दो, 100 का 63 है टोटल, 63 को यदि 90 में बांटते बिना गलती के तो क्या होता, सबके हिस्से में कितना आता, 70 हो जाता एवरेज, है ना। यदि गलतियां नहीं होती तो क्या होता, यह टोटल 63 था, 90 में बांटते तो 70 एवरेज होता, लेकिन कुछ गलती हुई थी, 26 को गलती से 62 पढ़ा गया, 26 की जगह 62 पढ़ा गया, तो 26 जुड़ना है 62 घटना है, तो 36 घटना है, और 43 जुड़ना है और 34 घटना है, तो 9 करना है। तो अल्टीमेटली गलती सुधारने के लिए 27 क्या करना है, आपको हटाना है, 27 हटेगा तो 27 को सभी 90 से क्या कर दो, हटा दो, 27/90, ये 0.3 माइनस कर दो, ये अपना आंसर बन जाएगा। ये नोट कर लो और अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनको अच्छे से रिवीजन मार लो और मौज करते रहो।